हिमाचल प्रदेश मिड डे वर्कर यूनियन संबंधित सिटू ने जिला मंडी में बैठक का आयोजन किया और सरकार के खिलाफ आंदोलन करने का फैसला लिया। हिमाचल प्रदेश मिड डे मील वर्कर यूनियन के जिला प्रभारी गुरदास वर्मा ने बताया कि 25 बच्चों से कम संख्या होने पर कार्यकर्ताओं को निकाला जा रहा है, लेकिन संख्या बढ़ जाने पर कार्यकर्ताओं को फिर से नहीं रखा जाता है। कोरोना काल में मिड डे मील कार्यकर्ताओं को वेतन देने की बात कही थी, लेकिन मंडी जिला के आधे से अधिक शिक्षा खंडों में कार्यकर्ताओं को मानदेय नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2019 में उच्च न्यायालय ने फैसला दिया था कि एमबीएम कार्यकर्ताओं को भी 10 माह की बजाय 12 माह का मानदेय दिया जाना चाहिए, लेकिन सरकार इसे भूल चुकी है। जिला प्रभारी ने कहा कि अभी हिमाचल सरकार ने स्कूलों में जलवाहकों के पदों को निरस्त करके स्कूलों में एमटीएस कार्यकर्ताओं की भर्ती करने का फैसला लिया है। उसमें भी एमडीएम कार्यकर्ताओं की अनदेखी हो रही है, क्योंकि एमटीएस भर्ती बाहर से की जाएगी, जिससे कार्यकर्ताओं में भारी रोष है। इसलिए यूनियन ने उग्र आंदोलन करने का निर्णय लिया है। मैं गुरदास वर्मा, सीटू जिला सचिव और मिड डे मील वर्कर यूनियन जिला कमेटी जो है उसका मैं जिला का प्रभारी भी हूँ। आज जो है मंडी जिला के अंदर मिड डे मील वर्कर यूनियन की जो है जिला कमेटी की बैठक थी, और जिसमें जो है हमने 3-4 तरह के जो निर्णय लिए हैं और आने वाले समय में जो हमारा जो आंदोलन है उसको उग्र करने का भी हमने आज निर्णय लिया है। क्योंकि मिड डे मील पिछले 15-16 साल से जो है मिड डे मील वर्कर काम कर रहा है, ना ही केंद्र सरकार उसके ऊपर ध्यान दे रही है और ना ही राज्य सरकार ध्यान दे रही है, और मिड डे मील वर्कर को जो है 50 रुपया दिहाड़ी के अंदर जो है एक माह में काम करना पड़ रहा है। इसके अलावा पिछले साल 2019 के अंदर माननीय हाई कोर्ट द्वारा एक डिसीजन दिया गया था, फैसला दिया गया था कि मिड डे मील वर्कर्स को भी 10 माह के बजाय 12 माह का वेतन दिया जाना चाहिए, तो सरकार उसे भी लागू नहीं कर रही है। इसके अलावा जिस स्कूल में 25 बच्चों से कम संख्या हो जाती है तो वहाँ से उस वर्कर की छंटनी की जाती है 16 साल काम करने के बावजूद भी, और जिन स्कूलों के अंदर 25 से ऊपर बच्चे फिर पूरे हो जाते हैं या बढ़ जाते हैं तो वहाँ पे फिर दूसरा कार्यकर्ता को नहीं रख रहे हैं, जिससे जो है मिड डे मील वर्करों के अंदर काफ़ी निराशा है। इसके साथ साथ अभी जो स्टेट गवर्नमेंट ने एक निर्णय लिया है कि स्कूलों के अंदर जो जलवाहक की पोस्टें थी, जो जलवाहक का पद था, उसे निरस्त कर दिया और उसकी जगह में जो है एमटीएस मल्टीटास्क सर्विस के लिए, बहुउद्देश्य कार्य करने के लिए जो है लोगों को रखा जाएगा, लेकिन उसमें भी मिड डे मील की अनदेखी की गई है। हमारी जो मांग थी, हमारा जो सरकार से पिछले 3 साल से हम मांग कर रहे हैं, मांग पत्र भेज रहे हैं कि मिड डे मील भी स्कूल के अंदर जो है उसी तरह का काम करता है तो इन्हें प्राथमिकता दी जानी चाहिए जो 16 साल से काम कर रहा है, और कई स्कूलों में जहां पीएन नहीं है, जलवाहक नहीं था, वहां पे मिड डे मील वर्कर ही इस काम को करता है। तो ये हमारी इसमें मुख्य मांग है कि मिड डे मील को इसमें प्राथमिकता दी जाए और जहां भी जिस स्कूल के अंदर एमटीएस की भर्ती होनी है वहां पे जो है मिड डे मील वर्कर को प्राथमिकता के आधार पे रखा जाए। और इन्हीं निर्णयों के साथ हमने आने वाले समय के लिए जो है अक्टूबर नवंबर दिसंबर के अंदर जो है एक बड़ा आंदोलन शुरू करने की जो है हमने आज निर्णय लिया है, जिसमें हम पहले शिक्षा खंड वाइज जो है बैठकें करेंगे, सेंटर वाइज बैठकें करेंगे, उसके बाद ही जो है हम अगला जो है जो आंदोलन की हमारी रूपरेखा होगी उसको करेंगे।